बसमिल्लामर नेक्स्ट सिननेम को डिसकस करेंगे पहला है इनफ्रल आई एन एफ ई आर एल इनफ्रल इन्फ्रल होता है डेवल या रिलेटिंग टू हेल या रिलेटिंग टू ईल इनफ्रल होता है डेबल या रिलेटिंग टू हेल्थ इफ़ यू डिड रॉन्ग यू विल बर्न इन इंफ्रल इफ़ यू डिड रॉन्ग यू विल बर्न इन इन्फरल इन्फ्रल होता है डेबल या रिलेटिंग टू हेल्थ नेक्स्ट है इंडिक्ट आई एन डी आई सी डी इंडिक्ट होता है एक्यूज किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना इंडिक्ट होता है एक्यूज इंडिक्ट एक्यूज पुलिस अरेस्टेड हिम विद इंडिक्ट ऑफ मर्डर पुलिस अरेस्टेड हिम बिकॉज ऑफ इंडिक्ट ऑफ मर्डर ऑन हिम इंडिक्ट होता है एक्यूज नेक्स्ट है आडियोसन करेसी आई डी आई ओ एस वाई एन सी आर एस वाई आइडियोसन करेसी का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव क्रैक्टरस्टिक्स डिस्टिंक्टिव करैक्टरस्टिक्स

एवरी कंट्री हैव राइट टू रिटेलीट इफ सम वन इमपिंज ऑन दैम एवरी कंट्री हैव रइट टू रिटेलीट इफ़ सम वन इमपिंज ऑन दैम इमपिज होता है एनरोज या इंट्रीड नेक्स्ट है इंसिनोट आई एन एस आई एन यू ए टी ई इंसिनोट होता है कॉज इंजरी या समथिंग बैड मतलब किसी के साथ बुरा करना या किसी को जख्म देना इंसिनोट कॉज इंजरी या समथिंग बैड अली हैव पिस्टल एंड ही इंसिनोट हीज़ एनिमी अली हैव पिस्टल एंड ही इंसनोवेट हिज एनिमी इंसिनोवेट होता है कॉज इंजरी या डू समथिंग बैड नेक्स्ट है इम्यूटेबल आई डबल एम यू टी एल ई इम्यूटेबल होता है अनचेंजेबल जिसको बदला ना जा सके इम्यूटेबल होता है अनचेंजेबल इम्यूटेबल अनचेंजेबल यू कैन नॉट चेंज समन नेचर बिकॉज इट इज़ इम्यूटेबल यू कैन नॉट चेंज समन नेचर बिकॉज नेचर इज़ इम्यूटेबल इम्यूटेबल होता है अनचेंजेबल नेक्स्ट है इनसक्रोटिबल आई एन एफ सी आर यू टी एल ई इन सिक्रोटिबल का मतलब होता है अनफैथमेबल या नॉट अंडरस्टैंडेबल जिसको समझा ना जा सके इन सक्रोटिबल का मतलब होता है अनफैथमेबल या नॉट अंडरस्टैंडेबल अनफैथमेबल या ना नॉट अंडरस्टैंडेबल इन इनसक्रोटिबल वट आर यू संग इज इनसक्रोटिबल फॉर मी वट आर यू सेग इज़ इनसक्रोडिबल इंसक्रोडिबल होता है समय में ना आने वाला अनफैथमेबल नेक्स्ट है इमपोंड्रेबल आई एम पी ओ वन डी ई आर ए बी एल ई इम्पॉन्ड्रेबल इम्पॉन्ड्रेबल का मतलब होता है अनथिंकेबल जिसके बारे में सोचा ना जा सके इमपोंडरेबल अन थिंकेबल इम्पॉन्ड्रेबल आई एम पी ओ वन डी ई आर ए बी एल ई इम्पॉन्ड्रेबल होता है अनथिंकेबल यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड एंड इम्पोंड्रेबल यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड एंड इम पडरेबल होता है अनथिंकेबल नेक्स्ट है इनफेबल आई एन ई डबल एफ ए बी एल इनफेबल होता है अनस्पीकेबल जिसके बारे में बोला ना जा सके इनफेबल अनस्पीकेबल इनफेबल अनस्पीकेबल अब्दुलसतार इज दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इनफेबल अब्दुल सतार्स दी कंट्रीब्यूशन इज़ इफेबल मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते उनके बारे में बोल ही नहीं सकते इफेबल अनस्पीकेबल नेक्स्ट है इन उंडो आई डबल एन यू ई एन डी ओ इन होता है फ़ाउल लैंग्वेज मतलब गंदी जुबान इन उन्डो आई डबल एन यू ई एन डी ओ इन का मतलब होता है फ़ाउल लैंग्वेज इन उंडो फाउल लैंग्वेज रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिव पीपल डू नॉट यूज़ इनियडो वायल Conversation. Respective people do not use यूडो language while conversation. इन hota होता है foul language next नेक्स्ट है डी e r i d e deride hota hai jeer होता है जेयर मॉकिंग रिमार्क्स या रेडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना किसी के साथ हंसी मजाक करना या किसी को नीचा दिखाना डी राइड डी ई आर आई डी ई डी राइड का मतलब होता है जेयर या मोकिंग रिमार्क्स या रेडिक्यूल इसके तीनों मार्क्स बन सकते हैं जेर डी राइड का होता है जेयर मॉकिंग रिमार्क्स या रेडिक्यूल वी शुड नॉट पास डिराइड रिमार्क्स ऑन पोअर वी शुड नॉट पास डिराइड रिमार्क्स ऑन पोअर डिराइड होता है मॉकिंग रिमार्क्स या रेडिक्यूल या जेर नेक्स्ट है ज्यूबील एंड जे यू बी आई एल एंड ज्यूबिलैंड का होता है एग्जॉल्टेंट या हैप्पी ई एक्स यू एल टी एन टी ज्यूबिलेंट का मतलब होता है एग्जॉल्टेंट याप्पी ज्यूबिलेंट एग्जॉल्टेंट याप्पी आफ्टर लिसनिंग जोक्स ही फील ज्यूबिलेंट एंड एग्जॉल्टेंट आफ्टर लिसनिंग जोक्स ही फील ज्यूबिलेंट एंड एग्जॉल्टेंट ज्यूबिलेंट का मतलब एग्जॉल्टेंट और मतलब इनका मतलब बनता है हैप्पी या खुश होना नेक्स्ट है जेंजास्टिक जे आई एन जी ओ आई एस टी आई सी जेंजास्टिक होता है पेट्रियाटिक जिंजाइसिक होता है पैट्रियाटिक वी हैव ग्रेट जेंजाइजम फॉर पाकिस्तान वी हैव ग्रेट जिंजाइजम फॉर पाकिस्तान जेंजास्टिक होता है पेट्रियाटिक होना मुहिब वतन होना जेंजास्टिक पैट्रियाटिक नेक्स्ट है नेवरी के एन ए वी ई आर वाई नेवरी होता है फ्रॉड या डिसहोनीस्टी नेवरी होता है फ्रॉड या डिस होनेस्टी? के एन ए वी ई आर वाई नेबरी होता है फ्रॉड या डिसहोनेस्टी नो वन सक्सीड इन नेबरी डीलिंग्स नो वन सक्सीड इन नेबरी डीलिंग्स नेवरी होता है फ्रॉड या डिसहोनेस्टी नेक्स्ट है नैक के एन ए सी के नैक नैक होता है एकवायर्ड स्किल मतलब कोई चीज़ सीखना नैक होता है एककिल यानी कि कोई स्किल हासिल करना या कोई स्किल सीखना नैक के एन ए सी के यू शुड लर्न नैक ऑफ कुकिंग बिफोर मैरिड यू शुड लर्न नैक ऑफ कुकिंग बिफोर मैरिड नैक होता है एक्वायर्ड स्किल कोई स्किल हासिल करना नेक्स्ट है लेविटेट लेविटेट होता है टू राइज मतलब किसी का ऊपर की जानब चढ़ना यानी कि जिस तरह सूरज जो होता है वो लेविटेट करता है सुबह के वक्त लेविटेट होता है टू राइज लेविटेट टू राइज पाकिस्तान इकानमी नो लेविटेट आफ्टर पेंडेमिक पाकिस्तान इकानमी नो लेबिटेट आफ्टर पेंडामिक नेक्स्ट है रॉइड डब्ल्यू आर आई डी रॉइड रॉइड होता है अबसेंस या फोहश मिजाक रॉइड सॉरी लेरिड एल यू आर आई डी लेरिड एल यू आर आई डी लेरिड होता है अबसेंस या फोहश मिजाक लेरिड एल यू आर आई डी लेरिड यानी कि फोहश मिजाक या ऑबसेंस यू शुड अवॉइड फ्राम लेरिड ऑफ पुअर्स यू शुड अवॉइड फ्राम लेफर्ड लेड होता है किसी का ओबसेंस करना या किसी का मजाक उड़ाना नेक्स्ट है लेटेंट एल ए टी ई एंड लेटेड होता है hidden या कंसील्ड मतलब छुपा हुआ लेटेंट हिडन या कंसील्ड लेटेंट हिडन लेटेंट हिडन कैन यू अंडरस्टैंड द लेटेंट मीनिंग ऑफ द पोइम कैन यू अंडरस्टैंड द लेटेंट मीनिंग ऑफ द पोइम लेटेंट होता है हिडन मीनिंग नेक्स्ट है लोथ एल लो ए टी एच लोथ होता है सिकली लोथ होता है सिकली यानी कि बीमार नुमा या इल यानी कि बीमारी के रिलेटेड लोथ सिकली एल ओ ए टी एस लोथ सिकली ड्यू टू पुअर इन हेल्थ ही फील लोथ ड्यू टू पुअर इन हेल्थ ही फील लोथ लोथ होता है सिकली या बीमार वगैरह नेक्स्ट है लाइसेंटोस एल आई सी ई एन टी आई ओ यू एस लाइसेंटियस होता है इमोरल लाइसेंटोस इमोरल यानी गैर अहलाकी एल आई सी ई एन टी आई ओ यू एस लाइसेंटियस होता है इमोरल या गैर अहलाकी नो सोसाइटी लाइक आ लाइसेंटोस पर्सन नो सोसाइटी लाइक्स आ लाइसेंटोस पर्सन लाइसेंटस होता है गैर अहलाकी इंसान इमोरल इंसान नेक्स्ट है लेमन टेबल एल एम ई एन टी ए बी एल लेमन टेबल होता है अफसोसनाक या रिमोर्सफुल मतलब मजाया भी से कह सकते सॉरी रिमोर्सफुल मतलब ए, दुख वाला या अफसोसनाक लेमन टेबल एल एम ई एन टी ए बी एल ई लेमन टेबल होता है अफसोसनाक या दुख वाला दुख भरा रिमोर्सफुल होता है दुख भरा ही वॉज कराइंग आफ्टर हियर लेमन टेबल न्यूज़ ऑफ हि सन एक्सीडेंट ही वॉज वीपिंग आफ्टर हेयर लेमन टेबल न्यूज़ ऑफ हिस सन एक्सीडेंट लेमन टेबल होता है अफसोसनाक या remorseful. नेक्स्ट है लियोग्यूबरियस एल यू जी यू बी आर आई o यू एस लियो लियोग्यूबरियस होता है लुकिंग सैड या mournful. मतलब रिमोर्सफुल और मोर्नफुल का मीनिंग कुछ हद तक सेम ही होता है यानी कि अफसोसनाक खबर मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है लुकिंग सैड मतलब ए, परेशान दिखाई देना या कोई अफसोसनाक खबर हो जाना ही वाज आफ्टर लियोगर लेमन टेबल न्यूज़ ही वाज लियोग्यूबरियस आफ्टर हेरिंग लेमन टेबल न्यूज़ लेमन टेबल से क्या मुराद है यानी कि अफसोसनाक खबर और लियोग्यूबरस से क्या मुराद है लुकिंग सैड लेमन टेबल अफसोसनाक खबर या रिमोर्सफुल और लियोग्यूबरस का मतलब है मोर्नफुल यानी कि लुकिंग सैड ही वाज लियोग्यूबरियस आफ्टर हेयरिंग लेमन टेबल न्यूज़ नेक्स्ट है लैंगविज एल ए एन जी यू आई एस एच लैंग्विज होता है इम्प्रिजनमेंट लैंग्वेज इम्प्रिजनमेंट एल ए एन जी यू आई एस एच लैंग्वेज इम्प्रीजनमेंट ही स्टक इन लैंग्वेज अंडर पुलिस कस्टडी ही स्टक इन लैंग्वेज अंडर पुलिस कस्टडी लैंग्वेज का मतलब होता है जेल या इम्प्रिजनमेंट लैंग्वेज जेल नेक्स्ट है लिविड एल आई वी आई डी लिविट होता है सेंसेशनल या फ्यूरियसली एंग्री सेंसेशनल मतलब बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना या मतलब किसी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर गुस्सा कर देना लिविड uh, सेंसेशनल या फ्यूरियसली एंग्री ही इज़ सॉफ्ट हर्टिड मैन एंड ऑफन लिविड ऑन ट्रीबियल ईशोज़ ही इज़ सॉफ्ट हर्टिड मैन एंड ऑफन लिविड ऑन ट्रीबियल ईशोज़ नेक्स्ट है लिबिडिनस एल आई बी आई डी आई एन ओ यू एस लिबिडिनस लिबिडिनस का मतलब होता है लस्टफुल या लेस्कीवियस लस्टफुल यानी कि लालच से भरा हुआ लिबिडियस, एल आई बी आई डी आई एन ओ यू एस लिबिडिनस होता है लस्टफुल या लेस्कीवियस। ही इज़ रेपिस्ट एंड हैव लिबिडिनस फीलिंग फॉर एवरी वोमन ही इज़ रेपिस्ट रेपिस्ट एंड हैव लिबिडिनस फीलिंग फॉर एवरी वोमन लिबिडिनस होता है लस्टफुल, लालच से भरी या इसका मतलब होता है लेस्कीवियस नेक्स्ट है मोरीबन एम ओ आर आई बी यू एन डी मोरीबन का मतलब होता है डाइंग यानी कि जो इंसान मर रहा हो मॉरीबन डाइंग आफ्टर थर्ड हार्ट अटैक नो ही इज़ इन मॉरीबन कंडीशन आफ्टर थर्ड हार्ट अटैक नो ही इज़ इन मॉरिबन कंडीशन मोरीबन होता है डाइंग एम ओ आर आई बी यू एन डी नेक्स्ट है मोलीफाई एम ओ डबल एल आई एफ आई मोलीफाई होता है पैसीफाई या अपीज मतलब किसी को थपकी देना किसी को दिलासा देना पीस डील बिटवीन टू कंट्रीज मेक कंडीशन मॉलीफाई पीस डील बिटवीन टू कंट्रीज मेक द कंडीशन कंडीशन मॉलीफाई मोलीफाई होता है पेसीफाई या अपीज नेक्स्ट है मोरोजी एम ओ आर ओ एस आई मोरोजी होता है ग्लोमी या सैड मरोजी होता है ग्लोमी या सैड एम ओ आर ओ एस आई मरोजी ग्लोमी या सैड आफ्टर फेल इन एग्ज़ैम ही फील अपसेट एंड ग्लोमी आफ्टर फेल इन एग्ज़ैम ही वॉज़ मोर्स एंड अपसेट अपसेट या ग्लोमी इसे कह सकते हैं नेक्स्ट है मलेजी एम एल ए आई एस सी मलेजी एम एल ए आई एस सी मलेजी होता है फीलिंग डिसकंफर्ट और सिकनेस फीलिंग डिसकंफर्ट और सिकनेस एम एल ए आई एस सी मलेजी होता है फीलिंग डिसकम्फर्ट या सिकनेस ही फील मलेजी इन न्यू स्कूल फील मलेजी एम ए एल आई एस सी फील मलेजी इन न्यू स्कूल मलेजी होता है फीलिंग डिसकम्फर्ट या सिकनेस मतलब अपने आप को बीमार महसूस करना या वहाँ पर बेचैन महसूस करना नेक्स्ट है मिस्टिकल एम वाई एस टी आई सी ए एल मिस्टिकल होता है सूफियाना या स्परिचुली सूफियाना या स्परिचुअली सिम्बालिक मिस्टिकल सूफियाना शाह वली उल्ला वाज बिलोंग टू मिस्टिकल फैमिली शाह वली उल्ला वाज बिलोंग टू मिस्टिकल फैमिली मिस्टिकल होता है सूफियाना या स्पिरिचुअली सिंबॉलिक नेक्स्ट है मफ़ल एम यू डबल एफ़ एल ई मफ़ल होता है कवर फॉर वाम या साफ़न मतलब अपने आप को नरम रखने के लिए या अपने आप को गर्म रखने के लिए कोई ऊपर अपने आम जो कवर लेते हैं उसे हम मफल कहते हैं एम यू डबल एफ एल ई वैन अ चाइल्ड इज़ बोर्न वी शुड मफ़ल दैम विद ब्लैंकेट वैन अ चाइल्ड इज बोर्न वी शुड मफल दैम विद ब्लैंकेट मफल होता है कवर फॉर वाम्थ नेक्स्ट है मकेबरी एम ए सी ए बी आर ई मकैबरी होता है हारीफाइंग या ग्रोसम यानी कि अजीब वह या खौफनाक मकैबरी हॉफ या ग्रोसम जी आर यू ई एस ओ एम ई मकैबरी होता है हारीफ या ग्रोसम आई वाज मकैबरी आफ्टर सींग हारर मूवी आई वाज मकीबरी आफ्टर सींग हारर मूवी मकैबरी होता है हारी या ग्रोसम यानी कि डर जाना या खौफनाक नेक्स्ट है मारवीलियस एम ए आर वी ई डबल एल ओ यू एस मारविलियस होता है वंडरफुल यानी कि हैरान करने वाला मारविलियस वंडरफुल एम ए आर वी ई डबल एल ओ यू एस मारविलियस होता है वंडरफुल ईफल टावर इज़ अ मारविलियस बिल्डिंग इफल टावर इज़ अ मारविलियस बिल्डिंग मारविलियस होता है वंडरफुल नेक्स्ट है मॉरबिड एम ओ आर बी आई डी मारबिट होता है मरीज़ या डिजीज दि, यानि बीमारी के रिलेटिड या मरीज़ के रिलेटेड मॉरबिड एम ओ आर बी आई डी मारबिट होता है मरीज़ या बीमारी के रिलेटेड एम ओ आर बी आई डी डॉक्टर रिकमेंडेड हिम टू टेक मेडिसन टू क्योर फ्राम मॉरबिड डॉक्टर रिकमेंडेड हीम टू टेक मेडिसन टू क्योर फ्राम मारबिट मारबिट होता है डिजीज या बीमारियों के रिलेटेड नेक्स्ट है मेलीफिलोवस मैलीफ्लोवस एम मे ई डबल एल आई एफ एल यू ओ यू एस मैलीफ्लोवस होता है स्वीट इन हेयरिंग मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा स्वीट होना मीठा होना या मतलब दिल को सुकून देने वाला मेलीफ्लोवस एम मे ई डबल एल आई एफ एल यू ओ यू एस मेलीफ्लोवस तिलावत कुरान इज मेलीफलोवस इन हीयरिंग तिलावत कुरान इज़ मेलीफ्लोवस इन हेरिंग मेलीफ्लोवस होता है स्वीट इन हेरिंग नेक्स्ट है मेलीगन एम एल आई जी एन मेलाइन का मतलब होता है डेप्रीशिएट या नीचा दिखाना किसी को नीचा दिखाना डेप्रीशिएट करना मेलाइन एम एल आई जी एन मेलाइन होता है डेपरीशियट करना या नीचा दिखाना वी शुड नॉट कंडेम आर मेलाइन पुअर्स वी शुड नॉट कंडेम आर मेलाइन पुअर्स मेलाइन होता है नीचा दिखाना या डेप्रिशिएट करना नेक्स्ट है मोरनिक एम ओ आर ओ एन आई सी मोरनिक होता है एडियटिक या इम्बिसाइल मतलब बेवकूफ इम्बिसाइल आई एम बी ई सी आई एल ई इम और मोरनिक एम ओ आर ओ एन आई सी मोरनिका एडियम मतलब सीनोनिक बनेगा इमबिसाइल इमबिस इडियट ही स्टिल एक्ट लाइक चाइल्डिश एंड मोरनिक ही स्टिल एक्ट्स लाइक चाइल्डिश एंड मोरनिक मोरनिक होता है इम्बिसाइल या इडियटिक रिलेटेड यानी कि बच्चों की तरह की गलतियाँ करने वाला या बेवकूफ मोरनिक इडियटिक या इम्बिसाइल नेक्स्ट है मोडिश एम ओ डी आई एस मूडिश होता है स्टाइलिश मूडिश स्टाइलिश मोस्ट एक्ट्रेस आर लुकिंग चार्म मूडिश मोस्ट एक्ट्रेस आर लुकिंग एंड चार्मिश होता है स्टाइलिश या कॉन्फिडेंट मूडिश स्टाइलिश नेक्स्ट है मैवरिक एम ए वी ई आर आई सी के एम ए वी ई आर आई सी के मेवरिक होता है इंडिपेंडेंट माइंड मैवरिक इंडिपेंडेंट माइंड एम ए वी ई आर आई सी के मेवरिक होता है इंडिपेंडेंट माइंड यानी कि आज़ाद ख्याल प्रॉपर एजुकेशन बिल्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेवरिक प्रॉपर एजुकेशन बिल्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेवरिक मेवरिक होता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग नेक्स्ट है मेलेडे एम ए एल ए डी वाई मेलेडी होता है डिजीज़ यानी कि बीमारी के रिलेटेड मेलेडे डिजीज़ मेलेडे डिजीज़ डॉक्टर रिकमेंड हिम टू टेक मेडिसन टू क्योर फ्राम मेलेडे डॉक्टर रिकमेंड हिम टू क्योर फ्राम टू टेक मेडिसन टू क्योर फ्राम मेलेडे मेलेडी होता है डिजीज़ या बीमारी के रिलेटेड मैलेडे बीमारी नेक्स्ट है म्यूंडेन एम यू एन डी ए एन ई एम यू एन डी एन म्यूडेन होता है रिलेटेड टू अर्थ या वर्ल्डली मतलब दुनियावी रिलेटेड रिलेटिंग टू अर्थ या वर्ल्डली म्यूडेन रिलेटिंग टू अर्थ अर्थ को एक अकर्स वैन देर इज चेंज इन म्यूडेन अर्थ को एक अकर्स वैन देर इज चेंज इन म्यूडेन म्यूडेन होता है रिलेटिंग टू अर्थ या वर्ल्डली नेक्स्ट है मेलीगिनट एम मैगनी लॉकमेंट एम ए जी एन आई एल ओ क्यू यू ई एन टी मैगनी लॉकमेंट होता है बम्बोस्टिक लैंग्वेज बम्बॉस्टिक लैंग्वेज या बूस्ट फुल करना मतलब शेखियाँ मारना अपनी बातें करना अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना मैगनी लॉकमेंट एम ए जी एन आई एल ओ क्यू यू ई एन टी ही इज़ एरोगेंट एंड ऑफन टॉक्स ऑन मैगनी लाकमेंट ही इज़ एरोगेंट एंड ऑफ एंड टॉक्स ऑन मैगनी लाकमेंट मैग्नी लॉकमेंट होता है शेखी मारना या बूस्टफुल करना या बम्बोस्टिक लैंग्वेज यूज करना नेक्स्ट है मोडर्ट एम ओ आर डी ए एन डी मोडर्ट होता है डिप्रेस्ड मॉडर्न डिप्रेस्ड एम ओ आर डी एंड डी मोडर्ट होता है डिप्रेस्ड आफ्टर लूजिंग हिज मनी ही वॉज़ मॉडर्ट एंड अनहैप्पी मॉडर्ट होता है डिप्रेस्ड या उदास आफ्टर लूजिंग हिज मनी ही आफ्टर लूजिंग हिज मनी ही वॉज़ मॉडर्न एंड अनहैप्पी नेक्स्ट है मेम एम ए आई एम एम ए आई एम मेम होता है डिसफिगर करना किसी की शक्ल वगैरह बिगाड़ देना मेम एम ए आई एम मेम होता है डिसफिगर करना वई कैन मेम प्लास्टिक आफ्टर हीटिंग इट वई कैन मेम प्लास्टिक आफ्टर हीटिंग इट मेम होता है डिसफिगर करना किसी की शक्ल वगैरह बिगाड़ देना मेम डिसफिगर वई कैन मेम प्लास्टिक आफ्टर हीटिंग इट नेक्स्ट है मोटले एम ओ टी एल ईवाई मोटले होता है ऑफवेरियस कलर्स यानी कि मुख्तलिफ रंगों के अंदर ऑफ वेरियस कलर्स मोटले एम ओ टी एल ई वाई मोटले ऑफ वेरियस कलर्स रेमबो इज़ ब्यूटिफुल एंड इज़ मोल्टे इन कलर्स रेमबो इज़ ब्यूटिफुल एंड इज़ मोल्टे इन कलर मोल्टे होता है ऑफ वेरियस कलर यानी कि मुख्तलिफ रंगों की तरह का नेक्स्ट है मेहिम एम ए वाई एच एम मेहम होता है वायलेंट डिसऑर्डर मेहम वायलेंट डिसऑर्डर मे हीम वायलेंट डिसआर्डर यानी कि बहुत ही ालमाना चीज़ों को आगे पीछे करना ड्यूरिंग बैंक रॉबरी देर वाज मे ही द बैंक ड्यूरिंग बैंक रॉबरी देर वाज मे ही इन दैंक मे हीम होता है वायलेंट डिस ऑर्डर मे हीम वायलेंट डिसआर्डर नेक्स्ट है मेडिक्यूल्स एम ई टी आई सी यू एल ओ यू एस मेडिक्युलस होता है शो अटेंशन या एक्सट्रीमली पेंसटेकिंग मेटिक्यूलस शो अटेंशन या एक्सट्रीमली पेंस टेकिंग मेटिक्युलस मतलब किसी की तरफ ध्यान देना या तो देना इसका सेंटेंस बनेगा मेटिक्यूलस का आवर फादर इज़ मेटिक्युलस फ़ार आस बिकॉज ही वर्कस हार्ड फार एस आवर फादर इज़ मेटिक्युलस फ़ार एस बिकॉज ही वर्कस हार्ड मेटिक्युलस होता है शो अटेंशन मतलब किसी की तरफ बहुत ज़्यादा तोज्जो देना एक्सट्रीमली पेंस टेकिंग नेक्स्ट है मॉलीफिकेशन एम ओ डबल एल आई एफ आई सी ए टी आई ओ एन मॉलीफिकेशन होता है मतम मॉलीफिकेशन मतमैन या अपीज़ द एंगर अपने गुस्से को कम कर देना मॉलीफिकेशन मतम मॉलीफिकेशन अपीज़ द एंगर या मतम आफ्टर कोरल टीचर मॉलीफाई ही स्टूडेंट्स एंगर आफ्टर कोरल टीचर मॉलीफाई ही स्टूडेंट्स एंगर मॉलीफाई होता है या मॉलीफिकेशन होता है मतम करना नेक्स्ट है माजमा एम आई एस एम ए माइजमा होता है अनप्लेजेंट स्मेल माइजमा अनप्लेजेंट स्मेल एम आई ए एस एम ए माइजमा होता है अनप्लेजेंट स्मेल आफ्टर सफरिंग फ्राम स्किन डिजीज़ हिज़ बॉडी प्रोड्यूस माइजमा आफ्टर सफरिंग फ्राम स्किन डिजीज़ हिज़ बॉडी प्रोड्यूस माइज्मा माइजमा होता है अनप्लेजेंट स्मेल अनप्लेजेंट स्मेल नेक्स्ट है नोस्टैल्जिक एन नो एस टी एल जी आई सी नोस्टैल्जिक होता है सेंटिमेंटल होमसिक या उदास टल होम सिक या उदास एन ओ एस टी एल जी आई सी नोस्टल कहते हैं होम सिक या उदास को आफ्टर लूजिंग हिज मनी नो ही सैड एंड आफ्टर लूजिंग हिज मनी नो ही इज सैड एंड नोस्टैल्जिक नेक्स्ट है निगार्ड एन आई डबल जी ए आर डी निगार्ड होता है कमजरफ या सेल्फिश या माइजर मतलब कंजूस आदमी नाइगार्ड होता है सेल्फिश या माइजर एन आई डब्ल्यू जी ए आर डी नाइगार्ड होता है सेल्फिश या माइजर डू नॉट डील विद हिम एज ही इज माइजर एंड निगार्ड डू नॉट डील विद हिम एज ही इज माइजर एंड निगार्ड निगार्ड होता है माइजर या सेल्फिश नेक्स्ट है ऑनरस ओ एन ई आर ओ यू एस ऑनरस होता है बर्डन सम या अमाउंट ऑफ एफर्ट यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत लगना ऑनरस होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम या बहुत ज़्यादा मेहनत लगना ऑनरस बर्डन सम या अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑनरस बर्डन सम पुअर मेड अ लॉट ऑफ ऑनरस टू मीट देयर नीड्स पुअर पीपल मेड अ लॉट ऑफ ऑनरस टू मीट देयर नीड्स ऑनरस होता है बर्डन सम यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल या भारी नेक्स्ट है ओस्टेनसिबली ओ एस टी ई एन एस आई बी एल वाई ओस्टेंसिबली होता है अपारेंटली या जाहरी तौर पर ओस्टेंसिबल ओ एस टी ई एन एस आई बी एल वाई ओस्टेंसीबल ही होता है जाहिर तौर पर या अपर एंड डी ओस्टेंसीबल ब्यूटी इज़ नॉट रियल ब्यूटी उस टेंसिबल ब्यूटी इज नॉट रियल ब्यूटी ऑस्टेंसिपल होता है अपर एंड जाहिरी तौर पर नेक्स्ट है ओसटनटेशन ओ एस टी ई एन टी ए टी आई ओवन ओस्टनटेशन होता है शेखी मारना या वलगर डिस्प्ले या शोवी मतलब अपने आप को शो करना ओस्टेंटेशन होता है शेखी मारना या वलगर डिस्प्लेन शेखी मारना न्यूली रिच पीपल ऑफ एन ओस्टेंटेशन न्यूली रिच पीपल often show शो ostentation. ostentation होता है यानी कि शेखी मारना या vulgar डिस्प्ले करना नेक्स्ट है ostracize. ओ एस टी आर ए सी आई जेड e. Ostracize होता है कट ऑफ या boycott. Ostracize होता है कट ऑफ करना या बाई करना किसी से सोसाइटी ऑस्ट्रासाइज ड्रंक पीपल्स सोसाइटी ओस्ट्रासाइज फ्राम ड्रंक पीपल ओस्ट्रासाइज होता है बाईकॉट कर देना नेक्स्ट है ऑबड्यूरेट ओ बी डी यू आर ए डी ईबड्योरेट होता है स्टब बोर्न या अडैमट मतलब जिद्दी या हट धर्म ऑबड्यूरेट ओ बी डी यू आर टी ई होता है अडामट या स्टब बोर्न ही इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड अपड्यूरेट पर्सन ही इज इनकंसटेंट एंड अपड्यूरेट पर्सन आप होता है स्टब बोन या अडाइमट नेक्स्ट है ओस्टेंटेटियस ओएस टी ई एन टी ए टी आई ओ यूएस ओसेंटेटियस होता है नुमाइशी या शो भी ओसडेंटेटियस होता है नुमाइश करना या दिखाना ओसटेंटेटियस नुमाइशी या शोवी न्यूली रिच पीपल उस टेंटेट देयर वैल्थ न्यूली रिच पीपल उस टेंटेट देयर वैल्थ उसता है नुमाइश या शोवी नैक्सट है ओगल ओ जी एल ईगल उत स्टेयर या घूरना ओगल ओ जी एल ई ओगल उतर स्टेयर करना या घूरना टीचर ओगल टू तो स्टूडेंट्स फार देर मिसटेक्स टीचर ओगल टूट टू स्टूडेंट्स फार देर मिस्टेक ओगल होता है स्टेयर या घूरना किसी को घूरना ओगल स्टेयर करना नेक्स्ट हैर टी यू आर एस ओवरच्रेस ओ वी ई आर टी यू आर एस इसका मतलब है ऑफर देना या एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग. ऑफर या इंट्रोडक्शन टू समथिंग. नेक्स्ट है ओवर वीनिंग ओ वी ई आर डब्ल यू डबल ई एन आई एन जी ओवर वीनिंग ओवर वीनिंग होता है एरोगेंट ओवर वीनिंग होता है एरोगेंट अपनी तारीफें करने वाला ओवर वीनिंग एरोगैंड डू नाट बी ओवर विनिंग बट बी हम्बल डू नाट बी ओवर वीनिंग बी हम्बल ओवर वीनिंग होता है एरोगेंट मकरूर हो जाना नेक्स्ट है पोलीफिक पी आर ओ एल आई एफ आई सी पी आर ओ एल आई एफ आई सी पोरॉलीफिक इसका मतलब बनेगा फ़र्टाइल या प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाना फर्टाइल या पलेंटीफुल फर्टिलाइजर्स मेक लैंड पोलीफिक फर्टिलाइजर्स मेक्स लैंड रॉलीफिक नेक्स्ट है प्लेकेट पी एल ए सी ए टी प्लेकेट होता है काम या अपीज किसी के गुस्से को कम करना प्लेकेट होता है काम या अपीज टीचर शुड प्लेकेट एंड प्लेसिड हिज एंग्री स्टूडेंट्स टीचर शुड प्लेकेट एंड प्लेसिड हिज एंग प्लेसड हि एंग्री स्टूडेंट प्लेसी को प्लेकेट होता है काम करना किसी के गुस्से को कम करना नेक्स्ट है पेंचेंट पी ई एन सी एच ए एन टी पेंचेंट पेंशंट होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या झुकाओ पेंचेंट होता है स्ट्रॉग लाइकिंग या झुकाओ अदर ऑलवेज हैव पेंचेंट फॉर देयर चिल्ड्रन अदर ऑलवेज है पेंचेंट फॉर देयर चिल्ड्रन पेंचेंट होता है झुकाओ करना या स्ट्रॉ लाइकिंग करना नेक्स्ट है पर्टिनेशियस पी ई आर टी आई एन ए सी आई ओ यू एस पर्टिनेशियस होता है डिटरमाइन होना या पुरअज़म होना पर्टीनेशियस होता है डिटरमाइंड होना या पुरोजम होना अ मोटिवेटेड पर्सन ऑलवेज डिटरमाइंड इन देयर गोल्स अ मोटिवेटेड पर्सन ऑलवेज पर्टीनेशियस इन देयर गोल्स या डिटरमाइंड इन देयर गोल्स पर्टीनेशियस होता है डिटरमाइंड या पुरोजम नेक्स्ट है पिलफरेज पी आई एल एफ ई आर जी ई पिलफरेज होता है स्टील करना या चोरी करना पिलफरेज स्टील अथिफ ऑलवेज ट्राई टू पिलफरेज अदर ऑब्जेक्ट्स अथिफ ऑलवेज ट्राइज टू पिलफरेज अदर्स ऑब्जेक्ट पिलफरेज होता है स्टील करना या चोरी करना अथिफ ट्राइज टू पिलफरेज अदर ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट है रूडेंट पी आर यू डी ई एन डी पी आर यू डी -E ई एन डी -E इसका मतलब होता है वाइज पी आर यू डी ई एंड टी इसका मतलब होता है नेक या वाइज अ जेंटलमैन इज ऑलवेज प्रूडेंट एंड हम्बल नेक्स्ट है पैरोल पी ए आर ओ सी एच आई एल पैरोकियल पी ए आर ओ सी एच आई एल होता है नैरो माइंडेड पेरोल होता है नैरो माइंड यानी कि छोटी सोच वाला पेरोल नैरो माइंडेड इसका सेंटेंस बनेगा एन आर्थोडाक्स इज ऑलवेज पेरोल एन आर्थोडॉक्स इज ऑलवेज पेरोल पैरोसियल होता है नैरो माइंडेड नेक्स्ट है पी वेरीकेट पी आर ई वी ए आर आई सी ए टी प्री का मतलब होता है डिले प्री का मतलब होता है डिले इसका सेंटेंस बनेगा ट्रेन वास प्री वेरिकेट फिफ्टीन मिनट्स प्री का मतलब होता है डिले प्री वेरिकेट पी आर ई वी ए आर आई सी ए टी प्री का मतलब होता है डिले प्री ट्रेन वास प्री वेरिकेट फिफ्टीन मिनट्स नेक्स्ट है प्रोफाउंड पी आर ओ एफ ओ यू एन डी प्रोफाउंड होता है रिग्रेट नदामत या फैथमलेस एफ ए टी एच ओ एम एल ई डबल एस फैथमलैस प्रोफाउंड होता है फैथमलेशस या नदामत या रिग्रेट ही वॉज प्रोफाउंड एंड फैथमलेस ऑन मेकिंग बलेंडर्स इन पेपर ही वॉज प्रोफाउंड एंड फैथमलेस ऑन मेकिंग बलेंडर्स इन पेपर फैथमलेस भी कहते हैं नदामत पसंदी को यानी कि अफसोस करना प्रोफाउंडस नैक्स्ट है प्रेरोगेटिव पी आर ई आर ओ जी टी आई वी ई पेरोटिव का मतलब होता है प्रिविलिज प्रेटिव का मतलब होता है यानी कि नुमाइश वगैरह मतलब किसी को आसाशें दी जाती हैं जो किसी को सहूलियात देना प्रैरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलज इसका सेंटेंस बनेगा अवर प्रेजिडेंट कैन इंजॉय वेरियस प्रारोगेटिव आवर प्रेजिडेंट कैन इंजॉय वेरियस प्रेरोगेटिव प्रेरोगेटिव होता है परिविलिज या मतलब आसाशें वगैरह नेक्स्ट है पैरामोर पी ए आर एम यू आर पैरामोर होता है लवर या एलिसिट पार्टनर ऑफ ए मैरिड पर्सन पैरामोर होता है लवर या एलिसिट पार्टनर ऑफ ए मैरिड पर्सन मतलब ऐसा इंसान जो शादीशुदा भी हो लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ मोहब्बत करे तो उसे कहते हैं पैरामोर पी ए आर एम यू आर शी इज़ आन वर्दी एस शी पैरामोर बिसाइड हर हस्बैंड

क्रिटिकल या नाजुक पेशेंट इज़ इन प्रिकेरियस सिचुएशन एंड नो ही इज़ इन आई सी यू नेक्स्ट है पैरामाउंट पी ए आर एम ओ यू एन टी पैरामाउंट होता है सुप्रीम या मेजर यानी कि बहुत बड़ा होना या बहुत आधा होना पैरामाउंट पी ए आर एम ओ यू एन टी पैरामाउंट होता है सुप्रीम या आधा आ डिक्टेटर्स हैव पैरामाउंट पावर्स आ डिक्टेटर्स हैव पैरामाउंट पावर्स पैरामाउंट होता है सुप्रीम या मेजर नेक्स्ट है पैरेलेस पी ई आर आई एल ओ यू एस पेरेलस होता है डेंजरस डी ए एन जी ई आर ओ यू एस पेरेलस पी ई आर आई एल ओ यू एस पैरेलस होता है डेंजरस नेक्स्ट है स्नैक बाइट इज़ पेरेलैस फॉर ह्यूमन स्नैक बाइट इज़ पेरेलेस फॉर ह्यूमन स्नैक बाइट इज़ पेरेलस पेरेलस होता है डेंजरस नेक्स्ट है प्रीपोस्टर्स पी आर ई पी ओ एस टी ई आर आई ओ यू एस प्रीपोस्टर्स होता है अहमकाना या रिडिकुलस प्रीपोस्टर्स अहमकाना या रिडिकुलस प्रीपोस्टर्स का मतलब होता है रिडिकुलस या किसी के साथ मजाक या अहमकाना करना डू नॉट कंडम एंड प्रोपेस्ट पोर पीपल डू नॉट कंडम एंड प्रोपेस्ट पोर पीपल डू नॉट कंडैम एंड प्रोपेस्ट पोर पीपल प्रोपेस्टर्स होता है रिडिकुलस या अहमकाना नेक्स्ट है पी आर आई एस टी आई एन ई नैक्स्ट है पी आर आई एस टी आई एन ई प्रिस्टाइन का मतलब होता है ओरिजिनल प्रिस्टाइन का मतलब होता है ओरिजिनल पी आर आई एस टी आई एन प्रिस्टाइन का मतलब होता है ओरिजिनल ही बॉट प्रिस्टाइन कार फ्राम शोरूम ही बॉट प्रिस्टाइन कार फ्राम शोरूम प्रिस्टाइन होता है ओरिजिनल नेक्स्ट है प्रोवेस पी आर ओ डब्ल्यू ई डबल एस प्रोवेस होता है ब्रेवरी प्रोवेस -E होता है ब्रेवरी पी आर ओ डब्ल्यू ई डबल एस प्रोवेस होता है ब्रेवरी राशिद मिनहाज शहीद वास प्रोवेस पर्सन राशिद मिन शहीद शो प्रोवेस हैबिट प्रोवेस होता है ब्रेवरी या बहादुरी नेक्स्ट है परेटल पी आर ए डबल टी एल ई -E। परेटल होता है चैटर या फुल स्टॉक यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला या गंदी बातें करना परेटल पी आर ए डबल टी एल ई -E। परेटल होता है चैटर या फुल स्टॉक चैटर या फुलश्टाक नो बॉडी लाइक्स टॉकेटिव एंडल पर्सन नो बडी लाइक टॉकेटिव एंडटल परसन पैटल होता है चैटर या फुल इस्टॉक नेक्स्ट है प्रॉलीफ्रेट पी आर ओ एल आई एफ पी आर टी प्रॉलीफरेट होता है जनरेट करना प्रॉलीफेट जनरेट प्रॉलीफ्रेट जनरेट वई शुड प्रॉलीफेट मनी फॉर रेनी डेज वई शुड प्रॉलीफरेट मनी फॉर रेनी रेनी डेज प्रॉलीफ्रेट होता है जनरेट करना या पैदा करना नेक्स्ट है पैटीफॉगिंग पी ई डबल टी आई एफ फोर डबल जी आई एन जी पैटीफॉकिंग होता है अन इम्पॉर्टेंट या अन ड्यू एम्फोसिस ऑन पी टी डिटेल्स पैटीफॉकिंग होता है अन अनइम्पॉर्टेंट या अन ड्यू इम्पॉर्टेंस ऑन पी टी डिटेल्स मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा तोज्जो देना पैटी फॉगिंग पी ई डबल टी आई एफ फोर डबल जी आई एन जी पैटीफोकिंग होता है अनइम्पॉर्टेंट डिटेल अ गोल ओरिएंट पर्सन नेवर इंडेजिन पैटिफॉगिंग अ गोल औरटिड पर्सन नेवर इंडेलजिन पैटीफॉगिंग पैटिफोगिंग होता है कि मतलब गैर जरूरी बातों के अंदर इंडल्ज हो जाना नेक्स्ट है परोन पी आर यू एन ई परोन का मतलब होता है रिड्यूस या ड्राइंग किसी चीज़ को सुखाना या किसी चीज़ को कम कर देना परोन पी आर यू एन ई परोन का मतलब होता है रिड्यूस या ड्राइंग आफ्टर एक्सीडेंट हिज़ प्रॉपिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इस परॉन प्रोन होता है रिड्यूस हो जाना मतलब एक्सीडेंट के बाद उसके सिलेक्ट होने के चांस बहुत रिड्यूस हो गए प्रॉन पी आर यू यानी प्रॉन होता है रिड्यूस इन प्रॉपिबलिटी ऑफ सिलेक्शन नेक्स्ट है पेपा रेजो पी ए पी ए आर ए डबल जेडो पेपा रेजो होता है फ़ोटोग्राफ़र पेपा फोटोग्राफर पी ए पी ए आर ए डबल जेडो पेपा रेजो फोटोग्राफ़र ही इज़ प्रोफेशनल मूवी मेकर एंड पेपारेजो ही इज़ प्रोफेशनल मूवी मेकर एंड पेपारेजो पेपारेजो होता है फोटोग्राफ़र नेक्स्ट है प्रोस्क्राइब पी आर ओ एस सी आर बी ई प्रोस्क्राइब होता है प्रोहिबिट प्रोस्क्राइब किसी को रोकना या मना करना प्रोस्क्राइब प्रोहिबिट या एवॉइड प्रोस्क्राइब प्रोहिबिट या अवॉइड स्मोकिंग इज प्रोस्क्राइब इन दिस एरिया स्मोकिंग इज प्रोस्क्राइब प्रोसक्राइब होता है प्रोहिबिट या अवॉइड स्मोकिंग इज प्रोसक्राइब इन दिस एरिया नेक्स्ट है पल्पेबल पी ए एल पी ए बी एल पल्पेबल होता है वाजे या ऑबवियस पल्पेबल ऑबवियस पल्पेबल पल्पेबल ऑबवियस पी ए एल पी ए बी एल पल्पेबल पुअर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट पल्पेबल द नेगलिजेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट की बुरी पॉलिसियाँ हैं वो ये शो करती हैं कि गवर्नमेंट कितनी यानी कि गैर मतलब ज़िम्मेदार है नेक्स्ट है पारसीमोनियस पी ए आर एस आई एम ओ एन आई ओ यू एस पारसीमोनियस होता है पोअर्टी या पिसा हुआ पारसीमोनियस होता है पोअर्टी या पिसा हुआ पी ए आर एस आई एम ओ एन आई ओ यू एस पारसीमोनियस होता है पोर्टी या पिसा हुआ यानी कि निचला तबका इंडिजेंट यानी कि मुफलस पीपल इंडिजेंट पीपल पारसीमोनियस फ्राम इंडिजेंट पीपल पारसीमोनियस फ्राम डी आरनेस डी एरनेस होता है मह महंगाई इंडिजेंट पीपल पारसीमोनियस फ्राम डी एरनेस और सबसे लास्ट है प्रैगमेटिक पी आर ए जी एम ए टी आई सी प्रैगमेटिक होता है प्रैक्टिकल या अमली तौर पर प्रैगमेटिक प्रैक्टिकल या अमली तौर पर प्रैगमैटिकमली तौर पर ही इज़ प्रोफेशनल एंड प्रैगमेटिक पर्सन ही इज़ प्रोफेशनल एंड प्रैगमैटिक पर्सन प्रैगमैटिक अमली तौर पर या Practical. Thank you so much. Assalamu alaikum.